हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं वो है एमसीक्यू जो है ब्लड कलेक्शन या फ्लेबोटॉमी के बारे में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो पिछला वीडियो है उसमें 26वां जो एमसीक्यू है वहाँ तक बात कर चुके हैं। अब अगला जो एमसीक्यू है उसके बारे में बात करते हैं। तो 27वां एमसीक्यू है, विच टेस्ट में रिक्वायर ए चेन ऑफ कस्टडी। तो ऐसा कौन सा जो टेस्ट है वो क्या करेगा, उसको आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे उस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है, तो अगर आप जो ब्लड कल्चर करते हैं तो उसमें केवल आप कल्चर और सेंसिटिविटी लगाते हैं, क्रॉस मैच करते हैं तो आप उसमें ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसके बाद में रिवर्स ग्रुपिंग या क्रॉस मैच करते हैं, ठीक है। तो अब जो ड्रग स्क्रीन है इसमें आपको बहुत सारे जो हैं टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ड्रग स्क्रीन का जो टेस्ट है वो है क्या आपका चेन ऑफ कस्टडी का केस है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट का मतलब क्या हो गया है, ल्यूकोसाइट इसका मतलब WBC हो गया। WBC का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि आपकी जो इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनिटी बनाना। तो इसमें पहला है कैरी ऑक्सीजन टू सेल, बिल्कुल नहीं है, और प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ये हमने अभी बताया है। और तीसरा देखते हैं एज इन क्लॉट फॉर्मेशन, वो तो क्लॉट फॉर्मेशन में तो आपको प्लेटलेट मिलेंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ये रेड टॉप ट्यूब बी इन्वर्टेड। तो रेड टॉप ट्यूब जो होती है वो कौन सी होती है, जिसको हम सिंपली कहते हैं नॉर्मल वायल, यानी उसमें देयर इज नो एंटीकोगुलेंट इन दैट टाइप ऑफ वायल। सो वी कैन से दैट अगर आप उसमें जो वायल में अगर आप ब्लड को डालते हैं तो इसका मतलब ये एंटीकोगुलेंट आपको मिक्स नहीं है, सिंपल है, जैसा ब्लड है वैसा रहे। और आप उसको इन्वर्ट करिए मत करिए कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें जो है आपको किसी भी टाइम आपको इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्वर्ट ए ग्रे ट्यूब इतना टाइम्स, तो अगर आपको इन्वर्ट ब्लैंक टाइम, तो आपको ग्रे ट्यूब जो है उसको कितनी बार आपको क्या करना चाहिए, इन्वर्ट करना चाहिए। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वर्ट करना चाहिए, किसको, ग्रे ट्यूब को, जिससे कि ग्रे ट्यूब में क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है। तो सोडियम फ्लोराइड किसके टेस्ट के लिए, ब्लड शुगर के टेस्ट के लिए, तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैक्सिमम वाला 504 और 8, इसका आंसर हो जाएगा 8 वाला। 31वां है, ट्यूब्स में लूज देयर वैक्यूम ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एक्सपायर्ड ट्यूब, ए फाइन क्रैक इन द ट्यूब। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वैक्यूम जो है उसका जो वैक्यूम जो होती है वो क्यों लूज हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। अगर ट्यूब एक्सपायर हो जाती है तब भी ये वैक्यूम को छोड़ देती है, और फाइन के अगर थोड़ा सा क्रैक हो तो वो आराम से छोड़ देती है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए रीजन द टॉर्निकूट यूज। तो टॉर्निकूट जो है क्यों यूज किया जाता है, इसका ऐसा कौन सा कारण नहीं है, पूछ नहीं रहा है इसमें कि कौन सा कारण है, पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं है, ठीक है, यानी कि टॉर्निकूट यूज करने का जो काम नहीं है। चलिए, टू प्रिवेंट वीनस फ्लो ऑफ ब्लड, बिल्कुल टॉर्निकूट इसीलिए यूज किया जाता है। टू मेक वेंस बल्क, तो वेंस को ऊपर उठाने के लिए ही ये काम में लिया जाता है। टू मेक वेंस ब्लू, टू एड इन वेन लोकेशन, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, जो वेंस हैं उनको ब्लू करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं है, वेंस जो होती है वो तो कलर ही उनका ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। अगला है 33, कलेक्टिंग यूरिन बाई एस्पिरेशन थ्रू ब्लैडर वॉल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप जो है ब्लैडर वॉल से क्या है एस्पिरेट करते हैं, किसको, यूरिन को, ब्लैडर वाल से करते हैं आप, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सुप्रा प्यूबिक, ठीक है, ये ध्यान रखें आप इसको, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइज इंचेज में, इंचेज में कितना है निडल रूटीनली यूज फॉर वेनी पंचर। तो जनरली जो है लेबोरेटरी में जो यूज की जाती है उसका इंचेज में साइज कितना है, तो देखिए जो साइज है वो इंचेज में, यानी कि जो लेबोरेटरी होती है उसमें फाइन निडल ली जाती है, यानी हल्की वाली जो निडल होती है सबसे ज़्यादा वो वाली ली जाती है जिसकी साइज सबसे कम होती है, तो वो इसमें कौन सी है, ये है 1 से 1.5 इंच वाली। विच ट्यूब इज यूज फॉर ए सिकल सेल स्क्रीन, अगर सिकल सेल स्क्रीनिंग करने के लिए आपको कौन सी जो है ट्यूब लेनी पड़ेगी, यानी कि
अगर आप सिकल सेल टेस्ट करते हैं तो आपको क्या है वो बनाना पड़ेगा आपको स्लैड, तो स्लैड बनाना पड़ेगा, तो ब्लड की आप स्लैड बनाएंगे तो इसका मतलब आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो मेज टू से देख आपको एंटीकोगुलेंट की जरूरत पड़ेगी, एंटीकोगुलेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन सा वाला है, वो वाला है। तो वो जो ब्लड की स्लैड जो है वो हम किससे बनाते हैं, ईडीटीए से। तो और वो कहाँ होता है, लेवेंडर जो होती है उसमें होता है। चलिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूजिंग टिश्यूज, हैंड वॉशिंग, वियरिंग ग्लव्स, आइसोलेशन। देखिए, आपको इन्फेक्शन से वियरिंग ग्लव्स जो है वो भी बचाता है, आइसोलेशन भी बचाता है। आइसोलेशन है, अब आइसोलेशन तो आप किस प्रकार से रख सकते हैं, आप हॉस्पिटल में अगर रहते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं तो इम्पोर्टेंटली वो हैंड वॉशिंग और वियरिंग ग्लव्स है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से बात की जाएगी, आपने ग्लव्स हैं उनको तो उतार देंगे आप, फिर भी अगर आप हैंड वॉश नहीं करते तो इन्फेक्शन चला जाएगा हल्का मोटा भी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रीन ट्यूब टॉप ट्यूब यूजुअली कंटेंस, तो ग्रीन वाली जो है उसमें क्या होती है, हेपेरिन होती है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हमारा ये हो गया है, 38वां क्वेश्चन ये है, और ये व्हाट ट्यूब इज यूज फॉर डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल। तो डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल के लिए यूज किया जाएगा, हमने अभी बताई थी कि ब्लड की स्लाइड बनानी है आपको, तो क्या चाहिएगा आपको, ईडीटीए चाहिएगा। तो ईडीटीए जो है वो किस्म होता है, लेवेंडर जो है वो उस प्रकार की जो कलर की जो वायल होती है यानी उसमें ईडीटीए होता है, तो वो आएगा। 39वां क्वेश्चन है, लिविंग द टॉर्निकोट ऑन टू लॉन्ग में कॉज। अगर आप क्या है टॉर्निकोट को पेशेंट के लगे हुए बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो ऐसी कंडीशन में मतलब कौन सी जो डिजीज हो सकती है उसको क्या कहेंगे, या वो हीमोलाइसिस कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, सेप्टिसीमिया कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, थ्रोम्बोसिस बिल्कुल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हीमोकंसंट्रेशन। ये याद रखने वाली बात है, इसको क्या कहेंगे हम, हीमोकंसंट्रेशन। आप अगर टॉर्निकोट को ज्यादा टाइम तक अगर बांध के रख छोड़ देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हीमोकंसंट्रेशन। विच ट्यूब डज नॉट कंटेन ईडीटीए, तो कौन सी ट्यूब में जो है ईडीटीए नहीं होता है, लेवेंडर टॉप ट्यूब बिल्कुल होता है, पिंक प्लास्टिक टॉप ट्यूब विद स्पेशल ब्लड बैंक आईडी लेवल। अच्छा, ब्लड बैंक में जो काम में आती है उसमें ईडीटीए होता ही होता है। पर्पल टॉप ट्यूब विद थिक्सोट्रोपिक जेल सेपरेटर, तो इनमें भी होता है, ठीक है, जो कि थिक्सोट्रोपिक जेल सेपरेशन के लिए काम में ली जाती है उनमें भी होता है, ब्लड बैंक में ली जाती है उनमें भी होता है, जो बैग होते हैं ब्लड के बैग होते हैं उनमें भी ईडीटीए होता है, और लेवेंडर वाले में तो ईडीटीए होता है। तो आंसर हो जाना चाहिए ये, मॉटल्ड ग्रीन एंड ग्रे टॉप ट्यूब, क्योंकि ग्रे में क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 वाला, विच इज यूज फॉर पीटी एंड एपीटीटी, तो पीटी और एपीटीटी के लिए लाइट ब्लू टॉप वाली या यूज में ली जाएगी। यूजिंग ए बटरफ्लाई मे बी नेसेसरी इफ द वेन कोलैप्स विद द एवैक्यूटेड ट्यूब सिस्टम, तो बिल्कुल सही है। अगर आपको क्या है ज्यादा फूल जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप बटरफ्लाई को यूज कर सकते हैं, ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है, ये याद रखने आप। हाउ मेनी मिनट्स डज नॉर्मल कोगुलेशन टेक्स प्लेस इन रेड टॉप ट्यूब, तो रेड टॉप जो ट्यूब होती है उसमें यानी कि नॉर्मल जो वायल होती है रेड टॉप वाली है उसमें 30 से 60 मिनट तक जो है कोगुलेशन हो सकता है। व्हाट इज द रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ ए हील पंचर ऑन एन इन्फेंट, अगर आप किसी बच्चे का ब्लड ले रहे हैं तो आप कितने टाइम मतलब कितना जो है डेप्थ तक उसमें आप पंचर कर सकते हैं, तो ये है उसको 2 mm तक आप पंचर कर सकते हैं जो रिकमेंडेड है। टिनी रेड स्पॉट्स ऑन स्किन कॉज फ्रॉम द रप्चरिंग ऑफ कैपिलरीज आर कॉल्ड, तो जो रेड के जो स्पॉट्स हैं जो स्किन पर बन जाते हैं कैपिलरी के रप्चर होने के कारण, तो उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे पैटेकी, क्या कहेंगे, पैटेकी। चलिए, ओसा जो है ये इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल वो है संगठन है जो कि क्या करता है, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके बारे में सोचता है। तो ओसा रिक्वायर्स दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिसीव ए वैक्सीन, यानी लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल में काम करने वाले हर किसी कर्मचारी को कौन सी वैक्सीन लेना अनिवार्य है, तो एच ए बी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन या पोलियो वाली, तो इनमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आंसर हो जाएगा। हर हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी को हेपेटाइटिस बी लेनी जरूर चाहिए वैक्सीन। तो बाकी के हम अगला जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।